हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर फिल्म मेकिंग कोर्स। आज हम एक बहुत ही कैजुअल सी डिस्कशन करने जा रहे हैं, क्योंकि आज की जो वीडियो है वो है प्रोडक्शन ब्रेकडाउन के ऊपर। और इस सीरीज के अंदर हम लोगों ने अभी तक काफ़ी चीज़ों को जो है वो डिस्कस किया, जो कि आप शायद कहीं ना कहीं जानते थे, लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद इतनी नुमाया नहीं होती, लेकिन ये भी बहुत ही अहमियत का हामिल है और आज हम इन्हीं के ऊपर बात करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो प्रोडक्शन ब्रेकडाउन की अगर हम बात करने जा रहे हैं तो बहुत ही ज़रूरी है कि ये समझे कि ये प्री प्रोडक्शन का ही पार्ट है, लेकिन इसमें हम लोग ये चीज़ मेक श्योर करते हैं कि जो हमारे रिसोर्सेज होंगे शूट करने के लिए वो सारे वेल मैनेज्ड हों, हमारी जो एक्सेस है चीज़ों की वो वेल मैनेज्ड हो। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ट्रैवलिंग की। सो ट्रैवलिंग प्रोडक्शन का या फिल्म मेकिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हमारी मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक 80% जो है वो चीज़ें वो ट्रैवलिंग के ऊपर बेस कर रही होती हैं। आइदर वी हैव टू गो समवेयर, आइदर वी हैव टू गो टू सम लोकेशन, टू सम सेट, टू मेक दिस फिल्म हैपन और सम एड हैपन, बिकॉज आप डिफरेंट कल्चर्स के साथ खेल रहे हैं, डिफरेंट लोकेशंस के साथ खेल रहे हैं, डिफरेंट कास्ट एंड क्रू के साथ खेल रहे हैं एंड डिफरेंट स्टोरीज के साथ खेल रहे हैं। सो ट्रैवलिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ एक ये आती है कि आप जब भी ट्रैवल कर रहे हो, आपने ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि जो आपका फिल्म का गियर है वो पोर्टेबल हो, आपका फिल्म का गियर इजीली रिचार्जेबल हो, और आप जब ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने लिए एक दरमियानी जो है वो कंफर्ट और इकोनॉमी के दरमियान वाली कोई चीज़ सेलेक्ट करें। मोस्ट ऑफ़ द टाइम कोशिश ये की जाती है कि कोई वैन बुक करवा ली जाए या कोई ऐसी गाड़ियाँ बुक करवा ली जाएँ जिसमें ज़्यादा लोग, एक पूरा जो क्रू है वो गाड़ी के अंदर ट्रैवल कर सके आपके सामान समेत। सो ट्रैवलिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ट्रैवलिंग में कुछ सेक्शंस आते हैं। अब अगर आप फिल्म्स की बात करें या बड़े एड्स की बात करें, वहाँ पे वैनिटी वैन का कल्चर है कि पूरा पूरा यूनिट जब फिल्म का मूव करता है उनके साथ वैनिटी वैन्स आती हैं, जिनके अंदर इक्विपमेंट प्लेस्ड होता है, जिनके अंदर मेकअप सेट्स होते हैं, जिनके अंदर यू नो कास्ट एंड क्रू की अलग अलग जगह होती हैं, मेकअप रूम्स के साथ साथ सेलिब्रिटीज़ के अपने वैनिटी वैन्स होते हैं। सो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बड़े स्केल के ऊपर आती हैं। छोटे स्केल के ऊपर इट्स रन एंड गन, यू जस्ट नीड अ गुड कार एंड अ वैन एंड यू कैन ट्रैवल एंड शूट। अगर उसके अलावा हम बात करें ट्रैवलिंग के, ज़रूरी है कि हर दफ़ा ट्रैवलिंग हो, दैट्स नॉट अ केस, ज़रूरी नहीं है, बट आपकी ट्रैवलिंग सॉर्ट आउट होना आपके शूट से पहले बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर वो चीज़ नहीं होगी तो आपको बहुत ज़्यादा डिले का सामना करना पड़ेगा जो कि इश्यूज़ कर सकता है। फिर हम लोग रेकी करते हैं। रेकी लोकेशंस की बेस पे की जाती है। अब लोकेशंस के ऊपर भी थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। लोकेशंस बेसिकली वो जगह हैं जो हमारी स्टोरी या हमारे एड का पार्ट होंगी, जो हमने दिखानी है अपनी वीडियो के अंदर, जिसके लिए सारी ट्रैवलिंग की आवभगत की जा रही थी। तो लोकेशंस में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोकेशन वो रखें जहाँ पर आपके पास रिसोर्सेज मैनेज करना ईजी हो। ऐसा हर दफ़ा होता नहीं है, लेकिन बहुत कोशिश यही होनी चाहिए कि आपके पास इलेक्ट्रिसिटी या जनरेटर वहाँ पर ईजिली अवेलेबल हो, वहाँ पर आपको करीब में फ्यूल मिल सके। अक्सर स्टेशनरी की चीज़ लोग भूल जाते हैं, वो वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं से झोंके मिल सके। और इसके अलावा खाना बहुत ही ज़रूरी है कि आपको ताज़ा खाना मिल सके। ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा आप खाना पैक करवा के साथ मूव करें, तो लोकेशन इसलिए बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम लोग करते हैं रेकी। अब रेकी क्या है? रेकी बेसिकली आपका जो DOP है या डायरेक्टर है, वो एक दफ़ा लोकेशंस को विजिट करता है एंड दे टेक द पिक्चर्स एंड दे मेक श्योर कि आप जिस जगह पे शूट करना चाह रहे हैं या जो लोकेशंस या जगह आपने देखी है वो आपकी स्टोरी के बिल्कुल ऐन मुताबिक हैं या नहीं है। क्या ये जगह वही हैं जो आपको चाहिए या आपकी स्टोरी के लिए में कितनी वैल्यू की एडिशन करेंगी, और आप रिसोर्सेज भी मैनेज करते हैं। सो रेकी इज़ समथिंग दैट यू डू नॉर्मली ऑन अ you know medium to large scale shoots, so you go there, you see the place and you make sure okay everything is fine. Other than that, the stationery is something you know you need all of the time. Aapko school se leke film making tak stationery se aapki jaan nahi chhod sakti. Aapko tapes chahiye hongi, gaffer tapes chahiye hongi, aapko papers chahiye honge, gel papers chahiye honge, butter papers chahiye honge, okay aisa samaan like you know scissors and cutters and things like that, markers. So इससे आपकी जान छूटने नहीं वाली। सो प्लीज़ मेक श्योर आप जब भी ये चीज़ें करें, ये छोटी मोटी जो चीज़ें अपने साथ ज़रूर रखा करें। उसके बाद हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ वो है खाना और कैटरिंग। इसके बगैर आपका फिल्म सेट नहीं चल सकता। और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि जो तुम वाकई फिल्म बनानी है, तुम्हें चाय बनानी पड़नी बंदे को। आई टॉक इन पंजाबी के आपको चाय के साथ सेट को चलाना पड़ता है। इट कैन बी कॉफ़ी एज वेल, बट आपकी कास्ट आपका क्रू हमेशा आपसे चाय मांगेगा। सो कोशिश करें कि आप कोई ना कोई अपने साथ ऐसी चीज़ लेके चलें जहाँ पर चाय वगैरह प्रोवाइड कर सकें, यू नो सम स्नैक्स बिस्किट्स, और आइदर यू कैन डू यू नो लोकेशन विच ऑलरेडी हैव दिस
सर्विस अवेलेबल फॉर यू कास्ट क्यू. सो ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें तो नहीं कहूँगा मैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर ख्याल में रखनी. प्रोड्यूसिंग अ फिल्म वाइल राइटिंग और प्रोड्यूसिंग एनी अदर कॉन्टेंट दैट यू आर लुकिंग अप टू, सो इन चीज़ों का ख्याल हमें रखना पड़ता है. और ये सारी चीज़ें हम लोग कोशिश करते हैं कि प्री प्रोडक्शन में ही सॉर्ट आउट कर लें, ताकि हमें कल को कोई यू नो सरप्राइज़ ना मिले. सरप्राइज़ मिलते हैं फिल्म मेकिंग में, बट कोशिश ये करें कि सरप्राइज़ कम से कम मिलें. सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, इट्स अ स्मॉल वीडियो. लुकिंग फॉरवर्ड के इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं और इन्फॉर्मेशन दूंगा प्री प्रोडक्शन के कुछ पार्ट से रिलेटेड. और अगर आपके कोई भी कमेंट हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, सो प्लीज़ डू. थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो.